तो नमस्कार, सत्ता के महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित। और आखिरकार लंबे समय बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जी हां, 19 जो नाम है वो अभी जारी किए गए हैं, जबकि 6 नाम अभी बाकी हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद ये लिस्ट जारी हुई है। हम आपको जरा टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि वो नाम कौन कौन से हैं। सीकर से सुभाष मेहरिया, बीकानेर से मदन गोपाल मेघवाल, चुरू से रफिक मंडेलिया, झुंझुनू से श्रवण कुमार। तो ये उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। 19 सीटों पर ही उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, जबकि 6 सीटों पर जल्द ही प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो की जाएगी। जयपुर से ज्योति खंडेलवाल को टिकट मिला है, अलवर से जितेंद्र सिंह को, भरतपुर से अभिजीत कुमार जाटव को, करौली से संजय कुमार जाटव को, दौसा से सविता मीणा को टिकट दिया गया है। उसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर से नमो नारायण मीणा, नागौर से ज्योति मिर्धा, पाली से बद्रीराम जाखड़, जोधपुर से वैभव गहलोत, बाड़मेर से मानवेंद्र सिंह, जालौर से रतन देवासी, उदयपुर से रघुवीर सिंह मीणा, बांसवाड़ा से ताराचंद भगोरा, चित्तौड़गढ़ से गोपाल सिंह, कोटा से राम नारायण मीणा, सीकर से सुभाष मेहरिया। ये 19 नाम हमने आपको बताए हैं जो जारी कर दिए गए हैं, जबकि 6 नाम अभी जारी होना बाकी है। तो चलिए, इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे इस बारे में प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। अनिल जी, कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद। 19 नाम ये जारी किए गए हैं, जबकि 6 जारी होना बाकी है। अगर इस लिस्ट में देखें तो क्या कुछ आपको नयापन नजर आ रहा है? इस लिस्ट की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है जी, वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत का जोधपुर से चुनाव लड़ना। जी, पूर्व में कहा जाता था कि वैभव गहलोत टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ेंगे, फिर वो बात शिफ्ट हुई जालौर सिरोही पर जी, और फिर शिफ्ट हुई जोधपुर पर। फाइनली ये तय हुआ कि जोधपुर से वैभव गहलोत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जो बीजेपी के प्रत्याशी उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और ये एक बहुत ही जबरदस्त फाइट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं और वो इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, और अमित शाह के बहुत नजदीक हैं। उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात कई बार चली, कई बार रोकी गई, लेकिन वसुंधरा राजे उनके खिलाफ थी, इसलिए आज भी पार्टी के भीतर ये माना जाता है कि वसुंधरा राजे का खेमा गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर बहुत कंफर्टेबल नहीं है। सामने अशोक गहलोत के बेटे आ गए हैं। हमने पूर्व में भी इसी कार्यक्रम में एक बार कहा था सत्ता संग्राम में कि जोधपुर के लोग इस बात को याद रखेंगे कि अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री, उन्होंने राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री होने का गौरव जोधपुर को दिया है और केंद्र में मंत्री होने का गौरव दिया है, पीसीसी अध्यक्ष होने का गौरव दिया है प्रदेश का, और केंद्र में मंत्री और प्रदेश में गृहमंत्री होने का गौरव दिया है। तो वो एक तरह से जोधपुर की नाक है जी। तो अशोक गहलोत का जब बेटा लड़ेगा तो जोधपुर के लोगों में एक सहज प्यार लाड़ भी उमड़ सकता है, और लाड़ उमड़ेगा तो वो अपने अगली पीढ़ी को राजनीति में देखना चाहेंगे, इसलिए उन्हें काफ़ी समर्थन मिलने की उम्मीद है, और इसलिए ये कठोर फाइट हो सकती है यहाँ पर। और वैभव गहलोत को मैं समझता हूँ नौजवानों का भी काफ़ी साथ मिलेगा, तो इसलिए ये राजस्थान की सबसे हॉट सीट होगी अगले लोकसभा चुनाव में, ये आज मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। और राहुल गांधी जब आए थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि
जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में युवाओं को और महिलाओं को पूरी तरीके से तरजीह दी जाएगी। अनिल जी, यहाँ पर हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन रखा गया है, महिलाएं जैसे अगर देखा जाए तो जयपुर से यहाँ पर ज्योति खंडेलवाल का जैसे नाम है, और अगर दौसा की बात करें तो सविता मीणा का भी है, और वैभव गहलोत जोधपुर से, तो युवाओं और महिलाओं को बरोबर यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे बड़ा हाईलाइट ये भी है साथ में कि जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है और जिसको बीजेपी की सीट माना जाता है, वहां पर बीजेपी के टिकट पर पिछले बार के सांसद फिर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। वहां पर कंपेरेटिवली काफी यंग और जयपुर की महापौर रह चुकी ज्योति खंडेलवाल को टिकट दिया है। ज्योति खंडेलवाल आज भी दिल्ली में थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिली थी, और ये एक मिथ बना हुआ है कि ये जयपुर की सीट ब्राह्मण सीट है, ब्राह्मण सीट है, ब्राह्मण को टिकट दिया जाए, कांग्रेस के नेता भी सारे कह रहे थे। इसको तोड़ने के लिए उन्होंने पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ऐसी महापौर थी जो आम जन के वोट से चुनकर आई थी, पार्षदों के वोट से नहीं चुनी गई थी, इसलिए एक तरह का वो भी मिनी लोकसभा चुनाव होता है, उसको एक बार वो जीत चुकी हैं। ज्योति खंडेलवाल वैश्य वर्ग से आती हैं, खंडेलवाल वर्ग से आती हैं, खंडेलवाल अग्रवाल और जैन और महेश्वरी बड़ा वर्ग है, ओसवाल बड़ा वर्ग है जयपुर में, 3-3.5 लाख वोट शहर में है इनके, और इसलिए ये एक मौका है जबकि जातिवाद से ऊपर उठकर जयपुर में टिकट दिया गया है, जाति सोच से ऊपर उठकर टिकट दिया गया है। वरना लोग कहते हैं महेश जोशी को टिकट दिया जाएगा जो विधायक भी हैं हवामहल से और मुख्य सचेतक भी हैं, लेकिन पार्टी ने एक दूसरा रास्ता चुना, वैकल्पिक समाज को चुना, और साथ में ऐसे समाज को चुना, कभी सतीश चंद अग्रवाल जयपुर से सांसद होते थे, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, और कभी यहाँ से भंडारी जी बहुत शुरू में सांसद रह चुके हैं, दौलत राज भंडारी 1952 में, तो ऐसा नहीं है कि ये अन्य जातियों के लिए ओपन सीट नहीं है। सतीश चंद अग्रवाल, दौलत राज भंडारी, ऐसे कई उदाहरण हैं। तो ये कांग्रेस ने एक महापौर रह चुकी, पब्लिक लाइफ में वोट, जनता से वोट लेकर जीत चुकी ज्योति खंडेलवाल को टिकट दिया, वो बड़ी जाबाज महिला हैं, और मैं समझता हूं कि ये चुनाव भी बहुत ही आकर्षक भी होगा और बहुत ही रोमांचक भी होगा, क्योंकि विधानसभा में अगर देखें तो यहाँ पर टिकट नहीं मिला था और उनकी जो नाराजगी है वो साफ तौर पर नजर भी आ रही थी, और कहीं ना कहीं पार्टी ने उन पर विश्वास भी किया और उन्हें लोकसभा का टिकट दिया। हाँ देखिए, अब हर आदमी को हर वक्त अपॉर्चुनिटी दी जा सकती जी, और जो सविता मीणा को टिकट दिया गया, ये मुरारी मीणा की पत्नी है, वर्तमान विधायक है दौसा के, दौसा से मुरारी मीणा, पहले बसपा से विधायक थे, फिर बसपा से कांग्रेस में आए, मंत्री बने, इस बार कांग्रेस के टिकट पर एमएलए बने, उनकी पत्नी सविता मीणा को टिकट दिया गया। सामने ये उम्मीद की जा रही है ओम प्रकाश हुड्डा जो महुआ के विधायक है, उनकी पत्नी मैदान में उतरेंगी, यानी कि दो विधायकों की पत्नियां शायद आमने सामने होंगी, और कुछ लोग आज ये भी चर्चा कर रहे थे क्योंकि मुरारी मीणा से किरोलाल मीणा का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि ओम प्रकाश हुड्डा से किरोलाल मीणा का 36 का आंकड़ा है, तो लोग आज दिल्ली में जब मैं था तो ये चर्चा कर रहे थे कहीं ऐसा नहीं हो कि गोलमा देवी उतर जाए और 3 देवियों के बीच में दौसा का चुनाव हो, ये चर्चा आज दिल्ली के राजधानी के राजनीतिक गलियारों में चल रही थी। बिल्कुल, और अलवर से जितेंद्र सिंह, उनका नाम तो चल ही रहा था इस पर, नहीं भंवर जितेंद्र सिंह बहुत बड़े स्टालवर्ड हैं, और वो केंद्र में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, राहुल गांधी के सखा हैं, और उन्हें विकास पुरुष माना जाता है अलवर में। पिछली बार का चुनाव वो भले हार गए थे 3 लाख वोटों से, हार गए थे, यहाँ पर भरोसा, उपचुनाव में हारे, उपचुनाव में तो वो लड़े नहीं थे जी, लेकिन उससे पहले पिछला चुनाव आम चुनाव हार गए थे 3 लाख वोटों से, तो वो मोदी की लहर थी, लेकिन वहां पर विकास पुरुष के रूप में उनको जाना जाता है। और सामने बालकनाथ आएंगे, मैं समझता हूँ चांदनाथ जो पहले सांसद थे, जिन्होंने भंवर जितेंद्र सिंह को हराया था, उनका निधन हो गया, देवलोक गमन हो गया, उनकी गद्दी पर जो लोग बैठे हैं बालकनाथ, वही चुनाव लड़ने भी आ रहे हैं, उनकी गद्दी हरियाणा में, हरियाणा से आके यहाँ चुनाव लड़ेंगे। आज बालकनाथ ने बिना नाम की घोषणा हुए, बिना टिकट की घोषणा हुए, अपने कार्यालय का उद्घाटन करके काम शुरू कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि अगला अलवर का चुनाव जो है बालकनाथ वर्सेज भंवर जितेंद्र सिंह होगा, और मैं समझता हूँ भंवर जितेंद्र सिंह स्थानीय भी हैं, राज परिवार के सदस्य हैं, उनके पिता युवराज प्रताप सिंह का बहुत बड़ा सम्मान है अलवर में, इसलिए उनकी अभी इस वक्त प्रारंभिक तौर पर एक बढ़त स्पष्ट नजर आ रही है। बिल्कुल, और बाड़मेर मानवेंद्र सिंह को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी कश्मकश में थी, लग रहा था कि उनको शायद टिकट नहीं मिले, नहीं, नहीं, फिर भी उन पर भरोसा कश्मकश नहीं थी, मानवेंद्र सिंह को टिकट देना उस दिन तय हो गया जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। मानवेंद्र सिंह भाजपा के दिग्गज नेता मेजर जसवंत सिंह के बेटे हैं, मेजर जसवंत सिंह 2 बार चित्तौड़ से सांसद रहे बीजेपी के, बाड़मेर से सांसद रहे, पिछली बार उनका टिकट काट दिया था वसुंधरा राजे ने और उन्होंने बगावत करके चुनाव लड़ा, इस वक्त वो बिस्तर में हैं, और उनके बेटे बगावत के 5 साल कांग्रेस के बीजेपी के विधायक रहे लेकिन बीजेपी में बिल्कुल सक्रिय नहीं थे, कांग्रेस में आए तभी से माना जा रहा था, उनकी पत्नी ने वसुंधरा राजे के खिलाफ
चुनाव लड़ा विधानसभा का, लेकिन तय यह था कि वो बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, और ये कमिटमेंट था उनका जो कि किया है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि वैभव गहलोत जो चुनाव लड़ रहे हैं जोधपुर में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में या तो राजपूत महत्वपूर्ण है या जाट महत्वपूर्ण है, बाकी सब अदर कास्ट हैं, जिनमें राजपुरोहित भी हैं, जैन समाज, ओसवाल समाज भी है, माली तो है ही काफ़ी, और मुस्लिम भी वोट भी बहुत भी हैं। तो उनके पहले जो सीट आती पाली, वहाँ बद्दी जाखड़ को टिकट दिया गया, बद्दी जाखड़ पहले सांसद रह चुके हैं पाली से, पिछली बार चुनाव हार गए थे पर पहले सांसद रह चुके हैं, तो इधर से जाट को दिया गया, और उधर की सीट जो दूसरी है बाड़मेर की, वहाँ राजपूत को दिया गया। तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, बाड़मेर में राजपूत और पाली में जाट, जाट और दोनों पूर्व सांसद भी और मानवेंद्र सिंह पूर्व विधायक भी, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन की वजह से वैभव गहलोत को बड़ा फायदा होने वाला है जोधपुर की सीट पर। बिल्कुल, और नागौर से ज्योति मिर्धा का नाम भी चल रहा था, वो पहले सांसद रह चुकी है वहां से जी, और मिर्धा परिवार से आती है, प्रतिष्ठित मिर्धा परिवार से आती है। फिर बीच में हनुमान बेनीवाल चाहते थे कि ये सीट उनको मिल जाए अगर कांग्रेस समझौता करे तो, और ज्योति मिर्धा को टिकट ना दिया जाए, लेकिन पार्टी ने ज्योति मिर्धा पर विश्वास दिखाया। ज्योति मिर्धा मिर्धा परिवार की सदस्य, मिर्धा परिवार का वर्चस्व रहा है नागौर की राजनीति में, उसको हालांकि चुनौती दी है हनुमान बेनीवाल ने, लेकिन अब देखना होगा हनुमान बेनीवाल का कदम क्या होता है इस घोषणा के बाद। बिल्कुल, 19 में से 3 महिलाओं के नाम है अनिल जी यहाँ पर, मतलब राहुल गांधी ने जो कहा था कि महिलाओं को मैं ज्यादा से ज्यादा मौका दूंगा, तो कहीं ना कहीं जो उनकी बात है वो सच भी यहाँ पर साबित होती हुई नजर आ रही है। हाँ, मतलब ठीक है 33% नहीं थे, लेकिन फिर भी 19 में 3 दिए उन्होंने। बीजेपी का मैं समझता हूँ कि केवल एक टिकट महिला का है जी अभी तक, तो इसलिए वो संतोष अहलावत तो काट ही दिया उन्होंने जी, एक टिकट था जो भी काट दिया उन्होंने, वो भी काट, एक भी महिला नहीं है, तो इसलिए अब बीजेपी के सामने चुनौती होगी बाकी सीटों पर। शायद वो दिया कुमारी को उतारे राजसमंद से, और भी महिलाओं को उतारने की कोशिश करे, और अभी कांग्रेस में 1-2 सीटों पर और महिलाओं को टिकट मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, एक इम्पोर्टेंट इसमें डेवलपमेंट ये है जी कि 4 ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जो विधानसभा चुनाव हारे थे। पहले घोषणा की गई थी विधानसभा चुनाव लड़ने वालों को ही टिकट नहीं देंगे, चाहे हारे चाहे जीते। बिल्कुल, लेकिन एक जीते व्यक्ति को टिकट दिया गया, रामनारायण मीणा पीपलदा से विधायक हैं इस वक्त जी, वो पहले कोटा से सांसद रह चुके हैं, देवली से विधायक रह चुके हैं। बिल्कुल, तो वो पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो वो रामनारायण मीणा पूर्व में कोटा के सांसद रह चुके हैं, वे पीपलदा से विधायक हैं। श्रवण कुमार भी शायद चुनाव हार चुके हैं, श्रवण कुमार भी चुनाव हारे हुए हैं जी, उनको भी टिकट दे दिया गया झुंझुनू से सांसद के लिए, और रफीक मंडेलिया भी चुनाव हारे हैं, उनको चुनू से टिकट दिया गया, और रघुवीर मीणा भी चुनाव हारे थे विधानसभा का, उनको उदयपुर ग्रामीण से टिकट, उदयपुर से टिकट दे दिया गया, सुरक्षित सीट है एसटी के लिए, तो वहां से रघुवीर मीणा लड़ेंगे। ताराचंद भगोरा के बारे में कहना चाहता हूं कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर ये तय है इतिहास से कि एक बार बांसवाड़ा का आदमी चुनाव लड़ता है, एक बार डूंगरपुर का आदमी चुनाव लड़ता है, इस बार डूंगरपुर की बारी थी, इसलिए सहज ही दावा था भगोरा का, इसलिए ताराचंद भगोरा पहले सांसद भी रह चुके हैं, AICC के सेक्रेटरी रह चुके हैं, और डूंगरपुर के दावे के नाते वो अकेले व्यक्ति थे जिनको टिकट दिया सकता था। हालांकि वहां जो बांसवाड़ा की कांग्रेस में दिग्गज है नेता मालवीय, महेंद्र जी सिंह मालवीय वो इनके विरोध में है इस वक्त, उन्होंने कहा भी था मैं किसी युवा नेता का समर्थन करूंगा वगैरह वगैरह। और ये मैं एक बात जो मुझे राजनीति के सियासी गलियारों में सुनाई पड़ी है कि पहले BTP भारत ट्राइबल पार्टी जो जिसके 2 विधायक चुने गए, उसका सांसद के ऊपर चुनाव लड़ने का इरादा था बांसवाड़ा डूंगरपुर से, अब उनके जो नेता हैं छोटू भाई बसावा उनको गुजरात में भरूच से कांग्रेस ने एडजस्ट किया है, तो शायद BTP अब चुनाव नहीं लड़ेगी बांसवाड़ा से, और डायरेक्ट फाइट होगी बीजेपी कांग्रेस के बीच में। बिल्कुल, और सीकर से सुभाष बेहरिया का ये नाम तो लगभग तय था, इसलिए तय था कि महादेव सिंह खंडेला विधायक है निर्दलीय, बगावत करके चुनाव लड़के जीत के आ चुके हैं, कांग्रेस से समर्थन कर रहे हैं, और सुभाष मेहरिया पहले बीजेपी सरकार में सांसद भी थे, बीजेपी सरकार में मंत्री राज्य मंत्री भी थे केंद्र में, उसके बाद उनका पिछली बार जब टिकट काटा गया निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद उनके भाई नंदकिशोर मेहरिया फतेहपुर शेखावटी से MLA हो गए थे, और सुभाष मेहरिया बाहर रह गए थे, उन्होंने तभी कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, 4 साल से कांग्रेस में सक्रिय थे, और ये माना जा रहा था कि उन्हें ही टिकट मिलेगा, उन्हें ही टिकट मिला है।
बिल्कुल, और जालौर से रतन देवासी का नाम ये भी लगभग तय था कि हाँ, ये भी हारे विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हारे में चार में ये भी शामिल है पर इनको टिकट दिया गया। ये उप मुख्य सचेतक रह चुके हैं पिछली गहलोत सरकार में राजस्थान विधानसभा में, तो इनको टिकट दिया गया है जी। बिल्कुल, और अनिल जी यहाँ पर अगर बात करें हम नमोनारायण मीणा, नमोनारायण मीणा वेरी इंपॉर्टेंट नेम, टोंक सवाई माधोपुर से पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके, वित्त राज्य मंत्री रह चुके केंद्र में, राजस्थान के डीजीपी रह चुके और वर्तमान में विधायक हरीश मीणा के भाई नमोनारायण मीणा। इन्होंने पिछला चुनाव दौसा से लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर, अपने ही सगे छोटे भाई हरीश मीणा से हार गए थे जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, और किरोलाल मीणा भी हार गए थे वहां पर। तो नमोनारायण मीणा किरोलाल मीणा दोनों हार गए थे, हरीश मीणा जीते थे छोटे भाई। हरीश मीणा इस वक्त टोंक सवाई माधोपुर में आकर के इस इलाके में विधायक बने हैं देवली से, और उनके बड़े भाई जो पिछली बार उनसे हारे थे वो भी कांग्रेस में, वो भी कांग्रेस में, और अब ये लोकसभा का चुनाव टोंक सवाई माधोपुर से नमोनारायण मीणा लड़ेंगे। इससे पहले जब एक बार वो लड़े थे तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला उनके सामने लड़े थे और वो 500-600 वोट से कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला हारे थे मात्र। इस बार काफ़ी चर्चा चली कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला चुनाव लड़ लें टोंक सवाई माधोपुर से, टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ लें। पहले बीजेपी के टिकट से उनकी बेटी को चुनाव लड़ाने की बात थी, वो नहीं रही, जौनपुरिया को टिकट मिल गया वर्तमान सांसद को। फिर कांग्रेस टिकट पर इन्होंने कोशिश की टोंक सवाई माधोपुर से मिले, लेकिन पार्टी ने पुराने सांसद पिछली बार के पूर्व के मंत्री अपने पर विश्वास जताया नमोनारायण मीणा दिया। अभी किरोड़ सिंह बैसला का किस्सा खत्म नहीं हुआ है, भीलवाड़ा अजमेर दो सीटें खाली है और शायद दोनों जगह जो गुजरों की संख्या है उसको देखते कांग्रेस हो सकता है उनके नाम पर विचार करे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, अजमेर की सीट अभी है, उस पर प्रत्याशी भीलवाड़ा भी है, बाकी है भीलवाड़ा का भी बाकी है, तो कई ऐसी प्रमुख सीटें हैं जिन पर घोषणा होना बाकी है। चित्तौड़गढ़ की हम बात करते हैं, गोपाल सिंह इडवा का, उनका नाम भी कहीं ना कहीं हाँ हो चुका था, वो पहले राजसमंद से सांसद थे, पिछला चुनाव हार गए थे, अब वो चित्तौड़गढ़ चले गए हैं। क्या सोच के चित्तौड़गढ़ गए मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो एक जाति आधार पर चित्तौड़गढ़ गए हैं। चित्तौड़गढ़ में सहज भाव से राजपूत राजपूत समाज का व्यक्ति पसंद किया जाता है, लेकिन सीपी जोशी जो बीजेपी के इस वक्त प्रत्याशी हैं वर्तमान सांसद हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और चंद्रभान सिंह आक्या जो MLA हैं राजपूत हैं वो उनका विरोध कर रहे थे सीपी जोशी का। तो शायद है कि इड़वा को ये उम्मीद हो, इड़वा बहुत लो प्रोफाइल व्यक्ति हैं, कोई हाईफाई नहीं है, कोई बड़े नेता नहीं है कि वो राजसमंद से चले जाए और चित्तौड़गढ़ की जनता यूँ आंखों पर बैठा ले उनको, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन वो PC चीफ सचिन पायलट जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनके बहुत ही करीबी हैं, बहुत विश्वास पात्र हैं, पूरी तरह विधानसभा चुनाव में उससे पहले से उनके साथ रहे हैं बराबर, और मैं ये समझता हूँ कि राजसमंद में शायद वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे चुनाव लड़ने में, इसलिए वो वहाँ चले गए। राजसमंद से उनको लग रहा है दिया कुमारी बीजेपी से सामने आएंगी और रजबू राज परिवार की सच, तो शायद वो नहीं चाहते कि दिया कुमारी का सामना करें और दो राजपूत इस तरह आपस में आमने सामने लड़े, तो मैं समझता हूँ इसलिए वो चित्तौड़गढ़ चले गए। उनके सामने बड़ी चुनौती होगी चित्तौड़गढ़ में, कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल नहीं है और शहर की सीट पे तो हारी है कांग्रेस, इसके अलावा भी जो परिस्थिति है वो बहुत ज़्यादा कांग्रेस के अनुकूल चित्तौड़गढ़ में नहीं है। नया प्रत्याशी यहाँ से भेज दिया उन्होंने राजसमंद से, तो उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। दाव खेला अगर देखा जाए तो इडवा पे एक बड़ा दाव खेला है जी जी। और दूसरी बात करौली धौलपुर की बात करें संजीव कुमार जाटव का, काफी ज्यादा संख्या में है जाटव अगर देखा जाए तो। देखिए यहाँ आश्चर्यजनक बात है कि भरतपुर में भी जाटव लड़ा दिया और करौली धौलपुर में जाटव लड़ा दिया। यहाँ तीन समाज हैं बैरवा, कोली और जाटव, हर पार्टी में से किसी दो को टिकट देती है दोनों सीटों मिला करके। धौलपुर करौली में अगर बैरवा दे दिया तो इधर जाटव दिए जाएंगे, इधर जाटव दिया था तो उधर कोहली दिया था। इस बार दोनों बार जाटव दिया है, दोनों जगह कांग्रेस ने जाटव दिया है। क्या सोच के दिया है, और दोनों में भी मेरी जानकारी है कि शायद एक तो रिटायर्ड IPS हैं या IAS हैं, मतलब ब्यूरोक्रेट हैं, एक रिटायर्ड या रिटायरमेंट दिया चुनाव लड़ने के लिए है उन्होंने, और एक शायद दिल्ली में किसी बैंक में अधिकारी हैं ऐसा मुझे पता लगा है। ऐसा ही एक नाम मदन गोपाल मेघवाल जो बीकानेर से SC सीट से, वो भी पूर्व में IPS रह चुके, रिटायरमेंट ले चुके थे, तो शायद वो तैयारी कर रहे थे मेरे को ऐसा लगता है, उस तैयारी की वजह से ही उनको दिया गया है वहां से। मतलब और वो अर्जुन राम मेघवाल के सामने मुकाबला करेंगे जी। यानी अगर देखा जाए तो ये जो 19 नामों की लिस्ट है काफी दिलचस्प, इसको कहना चाहिए क्योंकि महिलाओं को मौका दिया गया है। राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि हारे हुए प्रत्याशियों पर हम दाव नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ 4 से 5 नाम ऐसे हैं, चार नाम ऐसे हैं जो एक जीता हुआ भी है, एक जीता हुआ भी है रामनारायण मीणा, रामनारायण मीणा 5 लोग जो विधानसभा चुनाव लड़े थे वो लड़ रहे हैं। हम जानते हैं शुरू से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के पास में 25 सीटों पर जिताऊ प्रत्याशी नहीं थे, इसलिए
बीजेपी को भी अपने सांसदों के टिकट काटने से पहले सोचना पड़ा और अधिकांश के टिकट बरकरार रखे गए, ठीक है ना? बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब आने वाले जो 6 नाम और हैं, ये इन पर सबकी नज़र रहेगी। इनमें अभी अजमेर और भीलवाड़ा पर नाम की घोषणा नहीं हुई, जयपुर ग्रामीण पर नाम की घोषणा नहीं हुई है, और मैं समझता हूँ वहाँ शायद झालावाड़ पे भी नाम की घोषणा नहीं हुई है, है ना? 4 तो ये हो गए जो हॉट सीट है। अगर देखा जाए तो राजसमंद की हम बात कर रहे थे कि दिया राजसमंद की घोषणा नहीं लड़ सकते हैं, उनके सामने भी नहीं आया है राजसमंद भी नहीं आया राजसमंद का दिया कुमारी आ तो जाए जयपुर जयपुर ग्रामीण का भी नहीं आया है वो राज्यवर्धन सिंह के सामने जो लगातार वो तो 5 साल से चुनाव मैदान में ही है राज्यवर्धन सिंह। तो अभी तो आप 6 महीने से देख रहे हो बराबर, कभी दौड़ करा रहे हैं, कभी ग्रामीण खेल करा रहे हैं, कभी वो शिवरात्रि वहां मनाते हैं, होली खेलते हैं, पूरे इलाके में लगे हुए हैं राजवर्धन सिंह। उनका मुकाबला करना आसान नहीं होगा कांग्रेस, यानी जो 6 सीटें बची हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा कि कौन से प्रत्याशियों को खड़ा किया जाए, क्योंकि बीजेपी के जो तमाम जो प्रत्याशी हैं काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। राजवर्धन सिंह की बात करें, नहीं ऐसा नहीं है, अजमेर भीलवाड़ा में बीजेपी को कांग्रेस टक्कर दे सकती है जी, ढंग से अगर प्रत्याशी उतारे जाए। एक प्रस्ताव है कि सीपी जोशी और रघु शर्मा का भी नाम, सीपी जोशी जो इस वक्त डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष है, उन्हें मैदान में उतारने की बात चल रही है, आज दिल्ली में चल रही थी बात, और रघु शर्मा या सचिन पायलट में से एक को अजमेर से लड़ाया जाए ये बात भी चल रही है। रिजू झुंझुनवाला का नाम भी चल रहा है जो बड़े उद्योगपति घराने से आते हैं, भीलवाड़ा में गुलापुरा में जाएं इनकी बड़ी मिल है, हजारों लोगों को रोजगार दे रखा है। विजयनगर और गुलापुरा में एक नदी है बीच में, विजयनगर अजमेर में आता है तो एक नदी है, नदी के उस पार उनकी फैक्ट्री है बहुत बड़ी, भीलवाड़ा में है बांसवाड़ा फैक्ट्री है, बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस है, बड़ा राजस्थान के विकास में योगदान रहा। तो उसके जो LNG है लक्ष्मी नारायण झुंझुनवाला, उनके पोते रिजू झुंझुनवाला, उनको टिकट देने की बात भी चल रही है अजमेर से। लेकिन रामचंद्र चौधरी डेयरी चेयरमैन भी दावेदार हैं, प्रभा ठाकुर पूर्व सांसद भी दावेदार हैं, तो अभी वहाँ कशमकश है, और भीलवाड़ा में भी कशमकश है, और जयपुर ग्रामीण में लालचंद कटारिया को लड़ाने की इच्छा थी पार्टी की, लालचंद कटारिया मंत्री हैं इस वक्त राज्य सरकार में, वो लड़ें ना लड़ें इस पर फैसला होना बाकी है अभी। बिल्कुल। और अनिल जी अगर देखा जाए तो 19 सीटें हैं, 19 पे यहाँ पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, आपको क्या लग रहा है कि अगर इन 19 में से अगर कंपैरिजन करें बीजेपी के साथ तो यहाँ पर किसका मजबूत पक्ष है वो नजर आ रहा है? अगर कुछ नहीं कह सकते शुरुआती दौर पर, अगर शुरुआती दौर में देखिए कि अब उनके तो अधिकांश पुराने सांसद आ गए जी, तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी भी होगी जी, उनमें 4 केंद्र मंत्री रह चुके हैं 4-5, तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी होगी, और लेकिन उनमें कुछ ने मेहनत भी की है, 5 साल काम भी किया है, उनकी परफॉर्मेंस बनाम जैसे अब वैभव गहलोत है बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए राजनीति में नए हैं, और गजेंद्र सिंह शेखावत 5 साल से मंत्री हैं बिल्कुल, तो उनकी परफॉर्मेंस उनकी एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है ये, और साथ में जाति समीकरण और वैभव गहलोत मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो ये सारी नई चीज़ें हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नए सिरे से बनेंगे अभी, और अगले 3 दिनों में नक्शा साफ होगा जब पार्टी के अंदर से भाजपा के अंदर से या कांग्रेस के अंदर से आवाज़ें आएंगी, लोग समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे या जो भी सीन सामने आएगा उसके बाद लगेगा। और असली बात यह है कि देखिए लोकसभा चुनाव इतना बड़ा चुनाव होता है कि इसको छोटा आदमी नहीं लड़ सकता जी, इसको पूरी ताकत से बड़े आदमी को लड़ना पड़ता है, बड़े तरीके से लड़ना पड़ता है, तो वो इलेक्शनियरिंग कैसी करता है, इलेक्शन भी एक इंजीनियरिंग है, तो उसकी इंजीनियरिंग और क्राफ्ट कैसी है, किस तरह से लड़ता है चुनाव, क्या वोट अपील करता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल। और बीकानेर से जैसा कि अर्जुन राम मेघवाल है बीजेपी से, और यहाँ कांग्रेस की बात करें तो मदन गोपाल मेघवाल है, आपने बताया जिस वो नया नाम है और अनडिस्प्यूटेड नाम होगा जी, वो क्या किसी जाति किसी खेमे में नहीं है, बीकानेर में बहुत पार्टी पॉलिटिक्स है, कांग्रेस में बहुत खेमे हैं, बीजेपी में खेमे हैं, बीजेपी छोड़ करके भाटी जी इधर आ गए तो इसलिए मतलब इधर नहीं आए, मतलब बीजेपी छोड़ चुके हैं, तो वो भी एक विरोध अर्जुन राम मेघवाल झेल रहे हैं, तो उनके सामने भी कंट्रडिक्शन है बहुत सारे, तो इसलिए नया नाम ला के लेके आई है कांग्रेस ताकि कोई डिस्प्यूट नहीं हो, कोई दलगत गुटबाजी सामने नहीं आए और सब लोग मिलकर इसको जिताने की कोशिश करें। लेकिन एक बात ये भी है कि मदन गोपाल जी का देखा जाए तो पब्लिक से कोई सीधा जुड़ाव भी नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं लेकिन सीधा जुड़ाव भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं अर्जुन राम मेघवाल को इसका फायदा नहीं मिलेगा। मैं बताऊं आपको, कई बार क्या होता है, या तो वोट किसी को जिताने के लिए देते हैं लोग जी, या किसी को हराने लेते देते हैं वोट, तो जब हराने के लिए देते हैं तो देखते नहीं है कि सामने कौन है, वो खोई वो XYZ उसको देने लग जाते हैं लोग, तो इसलिए अर्जुन राम मेघवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। 5 साल उन्होंने जिस तरह सांसदी की है, केंद्र मंत्री रह के जो काम किया है, अगर वो लोग गले उतरा है तब तो जीत जाएंगे, लेकिन लोग गले नहीं उतरा है, पार्टी के अंदर गुटबाजी है और उनकी एंटी इनकम्बेंसी होगी, तो उन्हें ये नया व्यक्ति भी कड़ी चुनौती पेश कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और कोटा से रामनारायण मीणा की अगर हम बात कर लेते हैं, रामनारायण बहुत मीणा वोट है कोटा में जी, और
ओम बिरला वर्सेज ये मीणा बड़ी टफ टग ऑफ वार होगी यहाँ पे, और रामनारायण मीणा मतलब ऐसा नहीं, ओम बिरला बहुत बड़े दिग्गज हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बड़े इंडस्ट्रीज भी हैं, बहुत बड़े उनके उद्योग चलते हैं काफ़ी, और इतने साधन संपन्न हैं, शायद मे बी वन ऑफ द रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन इन राजस्थान, मेरा ऐसा मानना आकलन है। तो उनके सामने रामनारायण मीणा, लेकिन रामनारायण मीणा एक बार सांसद रह चुके हैं वहाँ से, अगर शांति धारीवाल ने और वर्तमान जो विधायक हैं भरत सिंह जी, इन्होंने ईमानदारी से काम किया कांग्रेस के लिए, तो रामनारायण मीणा चुनाव जीत भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर ये कुछ बड़े नाम जो हैं वो हम आपको एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर दिखा देते हैं, एक बार फिर से जो 19 नाम जो जारी हुए हैं एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कौन कौन से वो बड़े नाम हैं। 19 नामों की जो लिस्ट है वो जारी करी है, और ज्योति खंडेलवाल पूर्व महापौर जयपुर की, नमोनारायण मीणा टोंक सवाई माधोपुर से, बदीराम जाखड़ पाली से, वैभव गहलोत जोधपुर से, मानवेंद्र सिंह जैसलमेर बाड़मेर, रतन देवासी जालौर से, रघुवीर मीणा उदयपुर से, गोपाल सिंह इडवा चित्तौड़गढ़ से, कोटा बूंदी से राम नारायण मीणा, बांसवाड़ा से ताराचंद भगोरा, चुरू से रफिक मंडेलिया। तो ये वो नाम है जिनकी लिस्ट यहां पर जो है वो जारी की गई है। अनिल जी, यहां पर अगर बात करें चुरू से रफिक मंडेलिया, ये भी एक नया नाम है, ये भी चुनाव हार चुके हैं। हाँ, चुनाव हार चुके हैं, मकबूल मंडेलिया के बेटे हैं जी। मकबूल मंडेलिया पुराने कांग्रेसी हैं, सांसद का चुनाव पर लड़ भी चुके हैं जी, जहां तक मेरी जानकारी है। मकबूल मंडेलिया के बेटे रफीक मंडेलिया, और ये काफ़ी साधन संपन्न व्यक्ति भी हैं, और चूरू में मुस्लिम वोट बहुत बहुतायत में है, लेकिन जब मुस्लिम वर्सेज असर हो जाता है तो शायद इनका जीतना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर उनको उनके साथ लग गया, क्योंकि चूरू में बीजेपी डिवाइडेड हाउस है जी, राहुल कस्वा को बीजेपी टिकट दे रही है, तो सामने राजेंद्र राठौड़ का ग्रुप इससे सहज नहीं है, और वहां पर जाट वर्सेज अदर्स हो गया या मुस्लिम वर्सेज अदर्स हो गया, ये दो परिस्थितियां हैं। मुस्लिम वर्सेज अदर्स हो जाता है तो फिर राहुल कस्वा का अपर हैंड है, और जाट वर्सेज अदर्स हो जाता है तो फिर इनका अपर हैंड है मंडेलिया का। तो ये आने वाला समय बताएगा, यानी देखा जाए लोगों की साइकोलॉजी क्या काम करती है। जाति समीकरण को साधने की पूरी जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई है, एक तरीके से देखा जाए। नहीं, वो नेचुरली करते ही हैं, सभी दल करते हैं, जाति समीकरण, वोट धार्मिक आधार पर मुस्लिम वोट है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान में 25 में से एक सीट पर कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, भाजपा शायद एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारे। भाजपा ने 200 में से विधानसभा सीट चुनाव में एक मुस्लिम प्रत्याशी टोंक में सचिन पायलट के खिलाफ उतारा था, जिसकी हार लगभग तय थी खान की जी। तो इसलिए ये कांग्रेस ने एक जो मुस्लिम वोट उसके साथ रहते हैं उसका पारितोषिक उस समाज को दिया है। तो चलिए, सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल इतना ही। हम आपको लगातार सत्ता के महासंग्राम में, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी रहेंगे और तमाम एक एक सीट के बारे में आपको ब्यौरा देंगे। चलिए, तो फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का जो सिलसिला है एवन टीवी पर जारी रहेगा। नमस्कार। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।